बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। सुखदेव, तूने इन सैगलों की छानबीन के बारे में क्या सोचा है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। ओए, परेशानी की कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आना है। कोशिश करते हैं यार, वहाँ कोई कांटेक्ट मिल जाए अंबरसर में। बात नहीं हो सकती? अरे डोंट टेक टेंशन वा, आई एम बाबू मनसनवा। बात क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन भारत भूषण जी के यहाँ जाने से पहले आपके अंदर कोई ना कोई गुण पैदा करना पड़ेगा। गुल्लू क्या कहता है, ये सूर्य के जान में फंसेंगे? अब देखिए आगे। दलजीत, तेरे को नहीं लगता जब से सरजू हमारे घर आया हम जी नानियों के काम कुछ आसान हो गए हैं? हाँ पर जाई जी, हर वक्त ना हमारी मदद के लिए बस तैयार ही रहता है। गुल्लू मिक्की और हरी को अगर बोलो कि बाजार से जाकर सब्जी ले आए तो मजाल है कि मान जाए वो? हाँ पर जाई जी, सब्जियां खरीदने में इन मुंडों की शान घटती है ना, सब्जी मंडी जाने में इन्हें शर्म आती है। पता है आज सवेरे सवेरे आकर सरजू मेरे से क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? बड़ी सब्जी मंडी में सब्जियां बड़ी ताजी और सस्ती मिलती हैं। अच्छा, तो मैंने कहा इतनी दूर सवेरे सवेरे जाएगा कौन? फिर क्या कहने लगा, मैं जाऊंगा और कौन जाएगा, बस 500 रुपए लिए और बड़ी सब्जी मंडी ताजी और सस्ती सब्जियां लेने चला गया। हाँ? कहने लगा इतना भरा पूरा परिवार है, एक हफ्ते की ताजी और सस्ती सब्जियां लाकर फ्रिज में रख दूंगा, बस पूरे हफ्ते सब्जियां ताजी की ताजी रहनी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो रोज रोज सब्जी मंडी जाने से छुटकारा तो मिलेगा। वैसे परजाई जी, आप ना इस ड्राइवर पे जरूरत से कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। इसने सब्जियों में तो पैसे खाने ही है, और जो बड़ी सब्जी मंडी आने और जाने का पेट्रोल फूकेगा सो अलग, देख लेना कुछ सस्ता नहीं पड़ना है। मंजली मालकिन, आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो आप पीठ पीछे हमारी बुराई करती है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। हाँ ओए, मेरे से ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लड़ाते। बड़ी मालकिन, आप देख रही है हमारे सवालों का जवाब इनके पास होता नहीं है तो हमें डांटने डपटने लगती है। देखिए सारी सब्जी यही है, आप हिसाब लगा दीजिए और बताइए कि फायदा हुआ कि नुकसान। ओए, मेरे पास ना इन फिजूल के कामों के लिए टाइम नहीं है। अरे ऐसे कैसे, आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए हैं तो हमें अपनी सफाई देने का एक मौका तो दीजिए। ये देखिए फूलगोभी, यहाँ मिलता है 20 रुपया किलो और हम लाए 5 किलो 50 रुपए में, यानी कि 1 किलो पूरे 10 रुपए का, हुआ ना फायदा। और ये देखिए ताजी लौकी, साग और करेला और बैंगन, बैंगन समझती है ना, बैंगन का भरता बनाने आता है ना। अरे नहीं आता तो हम बनाना सिखा देंगे, ईमा कौन सी बड़ी बात है। ये सब सब्जी हम लाए हैं आधे दाम में, ये समझ लीजिए कि 1000 रुपए की सब्जी हम लाए 20 रुपए कम 500 रुपए में। अच्छा, और पेट्रोल का खर्च वो हिसाब में नहीं जोड़ा? अरे कौन सा पेट्रोल, हम गाड़ी लेकर ही नहीं गए तो पेट्रोल का खर्चा कहाँ से होगा। अरे हम तो टेम्पो से लिफ्ट वाला लेकर गए, अब ड्राइवर जाती है ना तो ड्राइवर ड्राइवर के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। और वो टेम्पो वाला हमारे गांव का निकला और जब उसको पता चला कि हम मथुरा के हैं तो बहुत प्रसन्न हुआ, हमको वापसी में भी यहाँ छोड़ दिया और अपने भाड़े का हमसे एक पैसा नहीं लिया।
आप बताइए मंजली मालकिन, फायदा हुआ या नुकसान, बताइए बताइए, है कोनो जवाब? नहीं है तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। कहाँ रखे मालकिन? यहाँ रख दी सर जी। लेगा ये तो पूरा घर खाली कर देगा, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी अपनी करते हैं। फालतू हूँ ना लंदन वाली। क्या हो गया शानी, बड़े गुस्से में है? ये परजाई जी ना, तो जिस किसी पर मेहरबान हो जाए ना, समझो उसकी लॉटरी लग गई। ओ हुआ क्या है? आप ना मेरी बात नहीं मान रहे हो। देखना ये सरजू ड्राइवर ना राधे मुझे सही नहीं लग रहे। अब उसने क्या किया? बड़ी सब्जी मंडी से पूरे हफ्ते की सब्जियां ले आया, पर जाई जी ने पूरे 500 रुपए दिए उसे सब्जी लाने के लिए। सोचो वो 500 रुपए देकर भाग जाता तो? हाँ? दो दिन तो हुए उसे नौकरी पर लगे हुए और पर जाई जी ने पूरे 500 रुपए का भरोसा कर लिया उस पे। 500 रुपए, ये जो 500 रुपए लेके भागा नहीं है ना, ये लंबू जो है कुछ लंबाई हाथ मारने के चक्कर में है। लेकिन शानी तू मेरे को जानती नहीं है, मैं ना ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सुखा दो दिन में उसे खुद ही निकाल देगा। ओए, वो तू यहां क्या कर रहा है, है? और रो क्यों रहा है तू? क्या हुआ? और बता तो सही, रो क्यों रहा है? ओ यार सीधा खड़ा। तेरा हुजूर, हम आप लोगों से माफी मांगने के खातिर आए। क्यों माफी मांग रहा है यार तू? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? अरे ये नाटक बंद करो, साफ साफ बताओ हुआ क्या। मंजली मालकिन, हम नाटक नहीं कर रहे, हम अपने आप को कोस रहे हैं, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गए कि जब हम आपकी गाड़ी पर कब्जा ले लिए तो हमें उसी दिन गाड़ी 500 रुपए का नोट मिल गया। फौरन समझ गए कि ये नोट आपका है, क्योंकि हमसे पहले तो ये गाड़ी आप ही चलाते थे ना। हाँ। हम दो दिन तक नोट अपने पास रखे, हम आपको लौटाना ही भूल गए। हमें माफ कर दीजिए मालिक। ठीक है, माफ किया, चलो। माफ कर दिया? हाँ माफ किया। थैंक्स बा, थैंक्स मालिक। हाँ ठीक है, एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय जय जय। चलो चलो, शाबाश शाबाश, जा जय बाके, ओ बाके बिहारी लाल की है। ओए जतिंदर खन्ना तो अपनी जेब से 5 पैसे नहीं गिरने देता और ये बेवकूफ कह रहा 500 रुपए। वैसे ये नोट अब हमें मिल गया है तो हम
हमारी किस्मत में। वो तो हमारी हाँ। ये 500 रुपए मैं आपसे मांगने ही वाली थी। वो क्यों भाई? अपने नए लिपस्टिक शेड के लिए। ओ भाई आसानी है तो मेरे को नहीं, ये तो मेरे को देना पड़ेगा। नहीं बात सुन यार, हम का लालची कह रहे थे, खुद कितने लालची हैं। 500 का नोट हाथ में आते ही बाछे खिल गई हैं। बहुत ही चंगी गल है। ओए मैंने तो सुखदेव तेरे को पहले ही कहा था, बहुत अच्छे लोग हैं यार, तेरी बात को मान जाना है उन्होंने। हाँ जी, और इसी बहाने गुड्डी और सतीश को शादी से पहले एक दूसरे को जानने पहचानने और समझने का मौका मिल जाना है, और क्या। अच्छा तो रहता है, पर मैं क्या कह रहा था सुखदेव, बात अभी कच्ची है यार। तो अपने को ना एक बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है, गुड्डी को और सतीश को ना अकेले बाहर बिल्कुल नहीं भेजना अपने को, ध्यान रखना। ओ नहीं जी, नहीं जी सेठी साहब, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो जब भी सतीश और गुड्डी को बाहर जाना है उनके साथ सरजू को भेजना ही भेजना है। ओए मेरे यार, ये की ना तूने समझदारी ली बात। एक मिनट, ओ जी सतीश का नाम लिया, सतीश का ही फोन आ गया। बात कर बात कर। हाँ सतीश पुत्र, बोलो बेटा। पैरी पोना अंकल जी। ओ जीते रहो बेटा, जीते रहो। और बताओ, मम्मी पापा अमृतसर के लिए रवाना हो गए? जी हाँ, आज सुबह बाई कार चले गए हैं, और वैसे भी अभी फैक्ट्री बनाने का काम प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ है, तो मैं होटल के कमरे में बैठा बोर हो रहा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ हाँ बेटा, अच्छा किया, शहर में तुम अकेले थोड़ी हो, हम भी हैं तुम्हारे हैं, जब भी मन करे फ़ोन कर लिया करो, घर आ जाया करो हैं। अंकल ऐसे रोज़ रोज़ घर आना भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ सतीश पुत्र, ये क्या बात हुई हैं, वो तुम्हारा अपना ही घर है, जब मन करे आ जाया करो हैं। अच्छा तो बेटा एक काम करो, तुम आज शाम को ही घर आ जाओ, चाय साथ में पियेंगे। अंकल आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ओए सतीश बेटा, ये क्या बात कर रहे हो, अपनों के आने जाने से कहीं कोई परेशानी होती? अपनों के आने जाने से खुशी मिलती है, खुशी। थैंक यू अंकल, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ बेटा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ओके अंकल, थैंक यू सर। ओके बोलो जी। सूर्या तुम्हें पता है मैं रात को कितना डर गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि वहां पर मन्नी था। गुड्डी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि प्लीज अपने जज्बातों पर थोड़ा कंट्रोल करो, सोचो कोई बड़ा हमें रात के अंधेरे में एक साथ देख लेता तो कितनी गड़बड़ हो जाती। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सुखदेव अंकल का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आज शाम को सतीश बाबू चाय पे आने वाले। क्या वो लंगूर फिर से हमारे घर पर आ रहा है? मैं तो बहुत बेताब हूँ उससे मिलने के लिए। क्यों, तुम्हें उस लंगूर के साथ भांगड़ा करना है? मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन है वो बदनसीब लड़का जिसे हम जानबूझ के दुख देने वाले। हालातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे भी तुमसे प्यार हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं समझ सकता हूँ कि सतीश के माँ बाप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमसे बेहतर लड़की उन्हें नहीं मिल सकती। प्लीज सूर्या, स्टॉप दिस टॉपिक, चलो घर चलते हैं।
बर्थडे पुत्र। जी पापा। अच्छी लग रही है पुत्र। थैंक यू। अच्छा बेटा, सतीश है ना, उससे अच्छे से बात करना, उसे लगना चाहिए कि वो हमारा खास मेहमान है, है नहीं? जी पापा। भाई वो चाय वाय का इंतजाम कर दिया ना सब कुछ? सब तैयारियां हो चुकी है, बस आप फटाफट कपड़े बदल के आ जाओ। सतीश ने अभी आते ही होना है। मेरे कपड़ों को क्या हुआ, कहाँ मैल लगी है? और ठीक है जैसे है, समझे? कपड़ों के पीछे पड़ गई है। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ओए बैंड वालों चुप करो, खोते हो। अरे पहले दूल्हे को मतलब लड़के को आ जाने दो, फिर लड़के के साथ दोस्ती तो कर लो अच्छी तरह से। यार चाचू, अब से डांस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके गुड्डी की शादी तक परफेक्ट हो पाएंगे। देखो। और वैसे भी चाचू, मैंने तो लड़के वालों की तरह से डांस करना है। यार बारात में डांस करने का ना मजा ही कुछ और था। उन लड़के वालों की तरफ से नाचो या लड़की वालों की तरफ से, जाके देखो तो दरवाजे पे कौन है। हाँ। साथी परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं, हम अभी देख कर आते हैं। आप सतीश, सतीश सैगल। चल नहीं छोड़ता। तूने मेरे पे हाथ उठाया? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, समझा? जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो। चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? अरे पूरा अमृतसर जानता है क्या चीज हूँ मैं। सतीश सैगल बोलते मेरे को, समझा? ओए तू वही है ना, कल मैं केले के छिलके से फिसल के गिरा था। थैंक गॉड इसको ये याद नहीं कि मैंने ही इसकी नाक तोड़ी थी। वाह क्या लड़का चुना है सुखदेव अंकल ने अपनी लाडली गुट्टी के लिए। अरे अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? अरे डोंट टेक टेंशन वा, आई एम बाबू मेंशन वा, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। गुड केयर, डोंट वरी, वेलकम वेलकम। मालिक सतीश बाबू आए हैं। मालिक सतीश बाबू आए हैं। आज ही सतीश जी आओ। ओ नहीं 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 भाई काका, हम तो आर्मल लाने वाले हैं। आओ आओ। कैसे सतीश? बैठ। हाय सतीश। बैठो बैठो। कैसे हो पुत्र? बेटा सतीश, ये तुम्हारा अपना ही घर है, आ जाए करो घूमते फिरते, हैं? फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। जी अंकल।
चल लजीत, हम लोग चाय नाश्ता लेके आते हैं। हाँ पर। सतीश जी, गुलुआ ई का। सतीश बाबू को सतीश जी कहकर काहे पुकार रहे हो? ई का इतनी इज्जत देने का कोनो जरूरत नहीं है। तो क्या बकवास किए जा रहा है? चुप कर। हुजूर, आप हमारा बात समझे ही नहीं। वो का है कि गुलुआ, मिकी माउस और हरी भैया ये तीनों गुड्डी बेबी से बड़े हैं। इस रिश्ते में ये तीनों सतीश बाबू से भी बड़े हुए कि नहीं, इस खातिर हम कह रहे थे कि सतीश बाबू को सतीश जी कहने का कोनो जरूरत नहीं है, सिर्फ सतीश कहे गए तो भी काम चल जाएगा। हाँ हाँ अंकल, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। दरअसल गुल्लू और मिक्की को मुझे जी लगाकर बात करने की जरूरत नहीं है, आखिर ये मेरे बराबर के हैं और मेरे दोस्त ही हैं। और तू अभी यहाँ क्यों खड़ा है? चल जा जाके देख चाय वाय बनी के नहीं। जी जी। हाँ तो सतीश, मैं मिक्की और हरी सोच रहे थे कि किसी दिन चल के तुम्हारा फैक्ट्री का प्लॉट देख लेते हैं, क्यों? अरे तूने मेरे मुंह की बात छीन ली गुल्लू, कभी भी एनी टाइम। अरे अगले हफ्ते मुझे बंगले का पोजीशन मिल जाएगा, फिर तो हम रोज पार्टी करेंगे। सतीश, तुम अमृतसर में रोज पार्टियां करते थे? मतलब रोज पार्टी नहीं, दरअसल अमृतसर में क्या है ना कि फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, कभी 10 बजते हैं कभी 11 बज जाते हैं, तो वहाँ पार्टी का तो टाइम ही नहीं मिलता। हाँ बेटा, और वैसे भी ना रोज रोज पार्टियां अच्छी नहीं होती। नहीं अंकल, दरअसल जब यहाँ फैक्ट्री बन जाएगी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तो मैं सोच रहा था कि जब तक फैक्ट्री बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक गुल्लू मिक्की इनके साथ थोड़ी मस्ती कर ले, आखिर इन लोगों के अलावा मेरा शहर में दोस्ती कौन है? और मैं आपका दोस्त नहीं हूँ क्या? अरे तू तो मेरी जान है, आ जा, ये ले तेरे लिए मिठाई लेके आया। This is for you. अच्छा सतीश पुत्र, ये तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? अंकल वैसे तो मैंने BA पास किया है, लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, दरअसल मैं शुरू से ही पढ़ाई में थोड़ा सा वीक रहा हूँ। मेरे को पहले ही पता था, तब तो आपकी गुल्लू वीर और मिक्की वीर से बड़ी जमेगी, क्योंकि ये दोनों भी आप ही के जैसे। मोर गानी तूने? पैरी बहना जी। ना पुत्र, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये बूढ़ा उड़ा फील ना करा। सारे देश की शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पापा ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। आ भाई चाय दे, चाय पियो बेटा, चाय पियो। ये लीजिए सतीश बाबू, गर्मा गर्म स्पेशल चाय, इसमें है अदरक और इलायची खास आपके लिए, इससे पहले कि ठंडा हो जाए गटक लीजिए। अब अंकल आप लोग ये फॉर्मेलिटीज करेंगे तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा यहाँ। और इसमें फॉर्मेलिटी क्या बेटा, बस थोड़ा कुछ है बस। पुत्र, चाय नाश्ते के टाइम पे थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। उसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। हाँ बेटा लो ना, अभी ये तो बस थोड़ा ही बहुत कुछ है, लीजिए गटक लीजिए। जरा देखो तो भेड़िए को, कैसे बकरी बन के बैठा है। थैंक यू सुखदेव अंकल, आपने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अरे इस जैसे का दिल एक बार नहीं हजार बार भी टूटे ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो